वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं राहुल सोलंकी और अभी मैं बिहार शरीफ स्टेशन के निकट पतवाना शरीफ के पास खड़ा हूं और यहां पर तीन नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रक्रिया चल रहा है। तीन तो यहाँ पे पतवाना शरीफ का पास आप देखिए तीन नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रक्रिया चल रहा है, जो कि रेलवे स्लीपर यहाँ पे बिछाई जा रही है। तीन नई रेल पटरियों का जोड़ने का काम यहाँ पे चल रहा है और ये बिहार शरीफ बरबीघा शेखपुरा रेलवे लाइन के लिए किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि दूर तक आपको रेलवे स्लीपर बिछाने का प्रक्रिया जो है यहाँ पे चल रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे पुल और पुलिया का निर्माण हो चुका है। पिछला वीडियो में बताए थे कि बिहार शरीफ जंक्शन पर रेलवे पटरियों का जाल बिछाया जाएगा, तो ये देख सकते हैं कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। हैं कि इस पर भी एक पटरी बिछाने का प्रक्रिया यहाँ पे चलेगा। मालगाड़ी के लिए यहाँ पे रेलवे पटरियाँ बिछाई जाएगी और इस तरफ देख सकते हैं कि प्लेटफार्म का निर्माण हो रहा है। मान में देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ही प्लेटफार्म हैं और तीसरा प्लेटफार्म का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए, और ये जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है स्पेशल तौर पे बिहार से बरबीघा के रेल लाइन बिछाई जा रही है और देख सकते हैं कि बिहार शरीफ जंक्शन का व्यू आपको हम दिखा रहे हैं। तो और यहाँ पर वर्कर लोग काम कर रहे हैं, प्लेटफार्म का भी निर्माण हो रहा है। ये प्लेटफार्म यहीं तक का निर्माण हुआ है, इसको आगे तक किया जा रहा है। यहाँ पे प्लेटफार्म का निर्माण हो रहा है। प्लेटफार्म तो यहाँ पे पहले से बना हुआ था पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इसकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी की भरावट हुई है और आपको बता दें कि यहाँ पे तीन नई रेलवे लाइन का निर्माण अभी फिलहाल यहाँ पे हो रहा है। और आपको बता दें कि शेखपुरा से बरबीघा तक रेल ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है। बिहार शरीफ से बरबीघा तक रेल लाइन बिछाने की प्रक्रिया चल रही है। बिहार शरीफ से बरबीघा तक 28 किलोमीटर लगभग रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस रेल खंड पर 1473 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार ने 525 करोड़ रुपये इस बजट में उपलब्ध कराए हैं। तीन और चार नंबर प्लेटफार्म को आगे बढ़ाने का प्रक्रिया भी यहाँ पे चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी भरावट का काम किया गया है ताकि प्लेटफार्म को और लंबी किया जा सके। और इलेक्ट्रिक का भी काम यहाँ किया जाएगा। अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक खंभे यहाँ पे गिराई गई है। अभी हम दक्षिण साइड के पास हैं तो यहाँ पर भी
काम चालू है और यहाँ पर भी प्लेटफार्म बढ़ाने का जो प्रक्रिया है यहाँ पे चल रही है। देखिए गिट्टी का ढेरी आपको दिखाई दे रहा होगा। बिहार शरीफ रेलवे फाटक के पास अभी रेलवे पटरियों बिछाने का काम अभी नहीं चल रहा हो रही है और यहाँ पे पुलिया का निर्माण हो चुका है। तो देखिए बनौलिया के पास का व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे घनी आबादी है और यहाँ पे रेलवे लाइन के दोनों तरफ जालियों का लगाना ज़रूरी है क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहतर होगा। और देख सकते हैं कि यह अच्छा 3 से 4 फीट के आसपास यहाँ पे गिट्टी की भरावट हुई है। फर्स्ट रेलवे ब्रिज है जो आपका बनकर तैयार हो चुका है और देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे काम लगा हुआ है और यहाँ पे पूरी तरह अभी ये रेलवे ब्रिज पूरा नहीं हो सका है, अभी भी कुछ काम बाकी है। तीरवी गांव के नज़दीक ये नदी है उस पे ये रेलवे ब्रिज का निर्माण हो रहा है और देख सकते हैं कि रेलवे ब्रिज का निर्माण लगभग यहाँ पे फर्स्ट रेलवे ब्रिज है इस बिहार शरीफ रेलवे रेल खंड पर। ये फर्स्ट ब्रिज है जो यहाँ पे निर्माण लगभग पूरा हो चुका है कि लगभग जमीन तल से 50 से 60 फीट की ऊंचाई पर इस रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है। भी इसी रेलवे ब्रिज का उपयोग आने जाने के लिए लोग कर रहे हैं। यहाँ पे बोल्डर पिचिंग का काम किया गया है पिलर के चारों तरफ ताकि मजबूती पिलर की बनी रहे और अभी इसके पुल के दोनों तरफ बोल्डर पिचिंग का काम बाकी है।